उत्तराखंड आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे पीएम। पीएम के दौरे को लेकर सीएम धामी ने कहा कि पीएम मोदी का देवभूमि से एक अटूट लगाव है। पीएम के आगमन को लेकर प्रदेशवासियों में काफी उत्साह है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बताएं, एक बार फिर से चुनावी जनसभा को संबोधित करने उत्तराखंड आने वाले हैं। प्रधानमंत्री के इस दौरे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी दी है और बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का देवभूमि से एक अटूट लगाव है। प्रधानमंत्री के हृदय में उत्तराखंड बसता है। जब से देश के प्रधानमंत्री के तौर पर उन्होंने बागडोर संभाली है, तब से प्रदेश में विकास की बयार भी है। इसीलिए प्रदेश की जनता भी प्रधानमंत्री को उतना ही स्नेह करती है और इस चुनावी दौर में दूसरी बार देवभूमि में पीएम के आगमन पर सभी प्रदेशवासियों में उत्साह है। हम सभी लोगों का सौभाग्य है कि प्रधानमंत्री मोदी फिर से आ रहे हैं। हम लोगों को उनका स्वागत करने का अवसर मिलेगा, जिसके लिए हमारी पार्टी ने तैयारी भी तेज कर दी है। मंत्री जी का, उनके हृदय में हमेशा उत्तराखंड बसता है और उत्तराखंड के लोग भी हमेशा उनकी प्रतीक्षा करते हैं। उनका आना हमारे लिए बहुत ही एक उत्सव जैसा होता है। हम सब प्रतीक्षा करेंगे, माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। उनके बनने के बाद उत्तराखंड के लिए अनेक अनेक योजनाएँ जो कभी पहले स्वीकृत नहीं हुई थी, वो स्वीकृत हुई हैं, भूतों न भविष्य। इसलिए उत्तराखंड की जनता उनसे बहुत प्यार करती है, क्योंकि सबको पता है कि मोदी जी भी उत्तराखंड से बहुत। और चलिए इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ उत्तराखंड से हमारे ब्यूरो चीफ राव शफात अली हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, उनका जरा रुख करना चाहेंगे। राव शफात, एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड पहुंच रहे हैं, उत्तराखंड में चुनावी जनसभा को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे, क्या कुछ मायने इसके निकाले जा रहे हैं, क्योंकि अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड के दौरे पर आए थे? देखिए दीपिका, क्योंकि पहले चरण में उत्तराखंड में चुनाव होने हैं 19 अप्रैल को, और जो भी स्टार प्रचारक हैं अलग अलग पार्टियों के, उनके आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। खासकर अगर भाजपा की बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का रुद्रपुर में एक बड़ी रैली हुई थी और जनता को संबोधित भी किया था। क्योंकि रुद्रपुर की अगर बात करते हैं तो वहां पर नैनीताल की और अल्मोड़ा की सीट टच होती है, तो इस तरह से रुद्रपुर में कार्यक्रम रखा गया था प्रधानमंत्री का। लेकिन एक और प्रस्तावित कार्यक्रम है पीएम का, और इस प्रस्तावित कार्यक्रम में 11 अप्रैल को प्रधानमंत्री उत्तराखंड में एक बार फिर से पहुंचेंगे। अभी स्थान डिसाइड नहीं है। देखिए, इसको लेकर के भाजपा ने अभी सुनिश्चित नहीं किया है कि कहाँ होगा, क्योंकि चर्चा है कि हरिद्वार में ये कार्यक्रम रखा जाएगा प्रधानमंत्री का, या फिर ऋषिकेश के IDPL में रखा जाएगा। तो प्रधानमंत्री के आने से जनता तो उत्साहित है, कार्यकर्ता भी उत्साहित है, तैयारियां भी चल रही है। अभी शायद कल तक ये डिसाइड हो जाए कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम हरिद्वार में है, वो प्रस्तावित है, या फिर ऋषिकेश में किया जाएगा। और यहाँ से 3 सिटी टच होती है, देखिए पौड़ी है, टिहरी है और हरिद्वार है। तीनों सिटी बहुत महत्वपूर्ण है। दो दौरे प्रधानमंत्री के हो जाएंगे। इसके साथ जो दूसरे बड़े स्टार प्रचारक हैं वो भी उत्तराखंड में लगातार पहुंच रहे हैं। जेपी नड्डा जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनका 2 दिवसीय दौरा उत्तराखंड में रहा था। लेकिन प्रधानमंत्री को लेकर के बहुत ज्यादा उत्साह देखने को मिलता है, और पीएम हमेशा उत्तराखंड में आते रहे, ऐसा नहीं कि चुनाव के दौरान ही आते। प्रधानमंत्री का उत्तराखंड से खास और एक ऐसा अटूट रिश्ता है, लगाव है, कि प्रधानमंत्री यहाँ हमेशा आए हैं, चाहे बाबा केदारधाम की बात हो, बद्रीनाथ धाम की बात हो, आदि कैलाश की बात हो। लेकिन चुनाव के वक्त में, क्योंकि चुनावी दौरा हो जाता है, तो इस वजह से बेहद खास हो जाता है। तो ये प्रस्तावित कार्यक्रम है पीएम का, और करीब जो हरिद्वार है या फिर जो IDPL है ऋषिकेश का, इन दोनों स्थानों में से कोई एक स्थान पार्टी की ओर से सुनिश्चित किया जाएगा, उसके बाद ये जानकारी पार्टी की ओर से दी जाएगी। लेकिन अभी जो प्रस्तावित कार्यक्रम है उसमें 11 अप्रैल का कार्यक्रम एक बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री उत्तराखंड में पहुंचेंगे, बड़ी जनसभा होगी, बड़ी रैली होगी। और क्योंकि जैसा मैंने जिक्र किया कि 3 सीटें यहाँ से टच हो जाती है, यानी कि रुद्रपुर से तो प्रधानमंत्री अपनी रैली कर चुके हैं, लेकिन एक रैली अगर यहाँ होती है तो पौड़ी की सीट है, टिहरी की सीट है और हरिद्वार की सीट है, तीनों सीटें प्रभावित होती है जी। साथ ही साथ, क्योंकि देखिए राव शफात अली अभी कुछ ही दिन पहले प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे, क्या कुछ कहा जा सकता है, उनका जो दौरा था वो काफी प्रभावशाली रहा होगा, उसी को देखते हुए अब उत्तराखंड में बीच में पूरी तरह से प्रयास कर रही है, क्योंकि देखिए पहले चरण में चुनाव है, क्या कुछ कहा जा सकता है, कितना प्रयास यहाँ पर माना जा सकता है, कितनी मजबूती से बीजेपी खुद को उतारने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है? दीपिका देखिए, भाजपा का जो चुनाव प्रचार है उसमें कोई दो राय नहीं है कि वो और पार्टियों से बहुत ज्यादा तेज है और बहुत ज्यादा सक्रिय नजर आती है। और क्योंकि जब चुनाव का वक्त भी नहीं था, उसी वक्त से जो भाजपा के कार्यकर्ता है या नेता है वो ग्राउंड पर काम करते नजर आ रहे थे। चुनाव की जब घोषणा हुई, नोटिफिकेशन हुआ, उसके बाद जो दूसरे दल है वो जरूर ग्राउंड पर दिखाई देते हैं, लेकिन भाजपा की जो स्ट्रेटजी है चुनाव प्रचार की वो अलग तरीके की दिखाई देती है। यानी चुनाव आने से पहले ही भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो जनता के बीच में उनके जाने का सिलसिला शुरू हो जाता है। कोई एंटी इनकम्बेंसी तो नहीं, कोई नाराजगी तो नहीं, ये जानकारी करते हैं।
और टिकट देने से पहले फीडबैक भी ली जाती है। तो ये तमाम जितने भी रणनीति होती है भाजपा की, दूसरी पार्टियों से थोड़ी सी अलग नजर आती है। हालांकि देखिए चुनौती है उत्तराखंड में, ऐसा नहीं कि चुनौती नहीं है भाजपा के सामने। जो कांग्रेस के प्रत्याशी हैं वो भी अपने चुनाव प्रचार में डटे हैं, और इधर भाजपा के प्रत्याशी चुनाव प्रचार में डटे हैं, दूसरी जो अन्य पार्टियों के प्रत्याशी हैं वो भी चुनाव प्रचार में डटे हैं। कुछ सीटों पर तो मुकाबला बहुत कड़ा नजर आता है, खासकर अगर हरिद्वार की बात करते हैं या फिर टिहरी की बात करते हैं तो ट्रायंगल में उलझा हुआ है मामला, निर्दलियों के बीच में उलझा हुआ है मामला। हालांकि उत्तराखंड में देखिए बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही हमेशा से जो है चुनाव होते रहे हैं और इन्हीं पार्टियों की यहाँ पर जीत होती रही है। लेकिन इस बार अगर देखें तो हरिद्वार सीट पर ट्रायंगल बना हुआ है, निर्दलीय प्रत्याशी ने ताल ठोकी है, और इधर अगर टिहरी की बात करते तो यहाँ से निर्दलीय प्रत्याशी ने ताल ठोकी है। तो चुनौती इस वक्त है और इस चुनाव में ऐसा नहीं कि स्पष्ट स्थिति कोई नजर आ रही है। हालांकि दावे जरूर किए जा रहे हैं, देखिए वो चाहे कोई भी प्रत्याशी हो, चाहे निर्दलीय हो, किसी भी पार्टी का हो, बीजेपी हो या कांग्रेस, उनके दावों में कोई कमी नहीं है कि जीत करके वो यहाँ जी।